ओए वो देखो 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 सो गाइस अब ये दूसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला है वीडियो क्योंकि जो इससे पहले वाली वीडियो है वो मैं एक ही पार्ट में रखूंगा क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी वरना फिर पूरी वीडियो। तो अभी जो आप पार्ट देख रहे हो सेकंड पार्ट है लास्ट वाली वीडियो का। और यार मन नहीं कर रहा मेरा आगे जाने का, आपको पता है कि बाइक का यार मतलब बहुत बुरा लग रहा है काफ़ी, सच में मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी भगाने का बाइक। क्या ऐसा हो जाए ना, हर बार का ही हो गया, हर बार का ही मतलब कुछ ना कुछ यार क्या ही बोले बंदे को भी यार, फ़ायदा ही लगता कुछ बोलने का, मतलब समझना चाहिए कोई चीज़ें ना। पर चलो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कुछ रिकॉर्ड कर पाते हैं। अभी आएंगे देखना है शेखर भाई और फ्लाई वाई मारेंगे, तब वहाँ से भगाना स्टार्ट करूँगा। एकदम से आई थी भाई गाय, सॉरी गाइस मैं कुछ बोल नहीं पा रहा यार क्योंकि थोड़ा मूड ऑफ हुआ यार मेरा। ओ भाई कुत्ता आ गया था भाई बीच में, मां कसम। एक तो आज पीछे देख देंगे बार बार, मतलब पीछे देख रहा हूँ बार बार क्योंकि यार एक तो राइड के स्टार्टिंग में सीन हो गया ना, तो ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई ठोक न दे आगे।
ओए पागल है भाई, घुस गया था माँ कसम यार। शिट भाई, रुकना चाहिए था वैसे मेरे को इसके पास, इसकी ऐसी की तैसी साले। ओ भाई हाथ ना, मतलब सीरियसली कह रहा हूँ, पहली बार हो रहा है राइड पे ऐसा कि हाथ कांपने, क्योंकि बाइक क्या थी यार, बहुत ज़्यादा गलत सीन हो रहे हैं मेरी बाइक क्या थी यार भाई। जब पहली बार भी बाइक गिरी थी ना, तो फिर उस टाइम भी वो देखो 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 देख देखो 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 देख भाई, बहुत गलत चलता है भाई, मैं कह तो रहा हूँ आपको। हो गया था अभी भाई कांड इसका भी, गलत है यार। अभी पता क्या बोलेगा कि रिकॉर्ड हुआ है भाई। सीरियसली मैं एक बात बताऊँ, मेरी मेंटेलिटी है कि मेरे से एक बार गलती हुई है ना, तो मैं उस गलती को बार बार नहीं करना चाहूँगा। करी तो देखो पहली बार भी नहीं थी मैंने। अब रोड पे चलोगे तो गलतियाँ हो जाती है, इंसान सी होती है, लेकिन अगर आप उसको बार बार करोगे तो आई थिंक वो आपकी सोच गलत है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो, क्योंकि यार गलत चीज़ तो गलत है भाई। मैं नहीं चाहता कि मेरे YouTube चैनल की नीश ऐसी बन जाए कि क्रैश दिखाना ये वर्स, मैं इंफॉर्मेटिव कंटेंट दिखाना प्रेफर करता हूँ। पुलिस वालों की गाड़ी लगे, अगर मान लो पुलिस वाले अभी देख लेना हमें, तो भाई सारे लपेटे जाएंगे सारे के सारे। थ्री नाइनटी में से कैसी आवाज आ रही है भाई ने, नहीं नहीं 390 में टेल टाइट लगा दिया है। भाई कितनी परे यार, सीरियसली गाइस, अब जो मतलब मेरे आगे को आने वाले लोग आएंगे ना, मैं रैश ड्राइविंग कम करने वाला हूँ भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। मेरे से ये चीज़ अब सही नहीं जाती कि मेरी बाइक का कुछ हो, और थोड़ा अब राइड्स पे आना कम करूँगा, कुछ और कंटेंट लाऊँगा मैंने सोचा है भाई, मेरे से नहीं देखा जाता भाई ये तो। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि RS मैंने काफ़ी चला ली है, 20,000 किलोमीटर भी हो चुके हैं इसके, और 26-27 हो चुके हैं, तो मैं अब इसको एक प्रॉपर मेंटेनेंस देने वाला हूँ, एस्थेटिकली भी और वैसे भी, क्योंकि यार बहुत हो गया है भाई, बहुत हो गया है रफ यूज़ करना। चलो स्पोर्ट्स बाइक होती है रफ यूज़ करने के लिए, लेकिन भाई एट दी सेम टाइम मुझे मेंटेन भी करना है उन्हें, क्योंकि बहुत प्यारी है भाई, बहुत प्यारी है मुझे ये चीज़। ये क्या मुझे मेरी सारी गाड़ी भाई के प्यारी है भाई, तो अब इसके ऊपर पैसा लगने वाला है। पहले देखना है किसके पार्ट्स मिले हैं कहाँ से, अभी है जो सुबह सुबह नुकसान हुआ है। 99 RPM से मंगाऊंगा ना तो पक्का गलती आने वाला है। इंजन का भी अभी इसके काम कराऊंगा, मतलब कि वैसा काम तो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन ये है कि कूलेंट चेंज, एक प्रॉपर मेंटेनेंस, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने शॉकर इसका चेंज कराया था तो एक साइड का रिफिल कराया था, एक साइड का कराया नहीं था, तो इस बार दोनों कराऊंगा। और
क्योंकि ये बाइक ना जैसे आपने लास्ट व्लॉग्स में भी देखा होगा, इस साइड को गिरने लगती है काफ़ी, मतलब स्टिफ है काफ़ी इसके सस्पेंशन एक साइड का, क्योंकि एक ऑयल पुराना है और एक नया ऑयल है, और क्वांटिटी में भी फ़र्क आ जाता है, माइन्यूट ही हो जाए फ़र्क तो फ़र्क है भाई। और ये तो इतनी प्रिसाइज चीज़ होती है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको।